सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको चूड़ीदार पजामा काट के बताऊंगा। चूड़ीदार पजामा क्योंकि ओरेप बनता है, इसलिए उसमें ऊपर बेल्ट का जोड़ अलग लगता है और दूसरे जोड़ अलग लगते हैं। लेकिन मैं आज आपको दो तरह के चूड़ीदार पजामे और दोनों ओरेप दो तरह के चूड़ीदार पजामे बताऊंगा। एक तो जिसमें जोड़ लगते हैं और एक बिल्कुल बिना जोड़ का, जिसमें किसी तरह का कोई जोड़ नहीं लगता, सिर्फ ऊपर नेफे में मोड़ने के लिए जोड़ लगता है। क्योंकि ओरेप होता है इसलिए नेफा मुड़ने में दिक्कत होती है, तो वहां पे हम एक सीधा कपड़ा लगा के नेफे जो नाड़े के लिए होता है उसको हम मोड़ेंगे और उस पजामे में किसी तरह का कोई जोड़ नहीं होगा। तो दो तरह के पजामे, चूड़ीदार पजामे मैं आपको बताऊंगा, एक तो जोड़ वाला, एक बिना जोड़ वाला। बिना जोड़ वाला जो चूड़ीदार पजामा होगा उसमें उसमें जो कपड़ा लगेगा वो एक तो 2.5 मीटर लगेगा, दूसरा गज पने का कपड़ा नहीं लगेगा, उसका अर्ज 1.25 गज का अर्ज होता है और 2.5 मीटर वो हमने लेना पड़ेगा, जिसमें हमने बिना जोड़ का और एक चूड़ीदार पजामा मैं आपको काट के बताऊंगा, और एक 2.25 मीटर सिंगल पने का, यानी गज 1 गज अर्ज का कपड़ा, उसको सिंगल पने पना भी बोलते हैं। तो गज का जो अर्ज होता है उस कपड़े का हम 2.25 मीटर में जोड़ वाला चूड़ीदार पजामा बनाएंगे। दोस्तों, एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग ये कहते हैं कि सर काम सीखने में तो 1 साल 1.5 साल लग जाएगा, हमारे पास तो बिल्कुल काम नहीं है, हमें इंस्टेंट कमाई कैसे हो सिलाई के काम में, इंस्टेंट यानी फटाफट कमाई हम कैसे कर सकते हैं, ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। और ये सवाल वही लोग पूछ रहे हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। अब लॉकडाउन में पिछले 1 साल से जो है ना हमने काफी नुकसान उठाया है, लोगों के नौकरियां छूट गई है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, बहुत से टीचर हैं जिनकी नौकरियां छूट गई है या दोबारा लग नहीं रही हैं, बहुत से जो प्राइवेट कंपनियों में लोग काम करते थे उनकी नौकरियां छूट गई है, उनको दोबारा नौकरी नहीं मिल रही है, मिल रही है कुछ लोगों को मिल भी रही है तो उनको कम सैलरी पर नौकरी मिल रही है। तो वो लोग ये कहते हैं कि सर हम इंस्टेंट कमाई कैसे करें, क्योंकि हम तो इस वक्त कोई कमाई का साधन नहीं है, अगर सीखने में लगाएंगे तो 1 साल लग जाएगा, हम 1 साल 2 साल सीखते रहेंगे लेकिन एक साथ में एक इंस्टेंट कमाई का, फटाफट कमाई का कोई साधन बताइए। तो उसके लिए मैं आपको ऑल्ट्रेशन का एक सीरीज रखूंगा ऑल्ट्रेशन की, उसमें आप काम सीखते भी रहिए और ऑल्ट्रेशन करके आप फटाफट पैसे भी कमा सकते हैं। आप इधर से एपिसोड देखिए, उधर से ऑल्ट्रेशन कर लीजिए, तो ये 10-12 एपिसोड मैं ऑल्ट्रेशन के ऐसे डालूंगा जिनके पास अभी कोई कमाई का साधन नहीं है, वो लोग ये एपिसोड देख के और फटाफट अपनी कमाई कर सकते हैं। जैसे पैंट की लंबाई बढ़ाना, घटाना, गिदरी से लूज करना, टाइट करना, कमर लूज करना, कमर टाइट करना, हिप से लूज टाइट करना, लंबाई घटाना बढ़ाना, मोहरी कम ज़्यादा करना, ऐसे ही शर्ट में तीरा छोटा करना, बाजू छोटी करनी, अब बाजू बढ़ तो सकती नहीं है लेकिन छोटी हो सकती है, लूज करना शर्ट को, टाइट करना, ये चीज़ें ऐसे कुछ 8-10 एपिसोड में कंटिन्यू डालूंगा ताकि आप लोगों को इंस्टेंट कमाई हो सके, यानी फटाफट आप कमाई कर सके। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चूड़ीदार पजामा, ये जोड़ वाला चूड़ीदार पजामा है, ये शुरू करते हैं। चलो, ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें हम जेंट्स चूड़ीदार पजामा काटेंगे। अब इसको हम ओरेप कैसे करें, अब ये देखिए, ये किनारी है, ये हमारा आडा कपड़ा है, ये हमारा सीधा कपड़ा है, अब ये किनारी है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ओरेप करेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे ओरेप कर लिया, अब हम इसको सामने में ऐसे रखेंगे। तो देखिए,
ये 39 इंच लंबा पजामा है और 12 इंच इसकी मोहरी है और 36 इंच इसका हिप है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने एक निशान लगा दिया, ये देखिए एक निशान लग गया ये हमारा। अब हमने इसमें 2 इंच का बेल्ट लगाना है, तो ये हम 2 इंच ऊपर ले लेते हैं। ये हम 2 इंच ऊपर ले लिया और जो नेफा मुड़ेगा वो 2 इंच से अलग होगा, तो ये 2 इंच का सिर्फ हमने तैयार बेल्ट लगाना है। और ये हम अब सबसे पहले इसका क्या लेंगे, आसन। देखिए 36 हिप है, मैंने पजामे में बताया था कि 36 हिप का आसन हमने जो पजामे का लेना है वो 1/3 तीसरा हिस्सा बिल्कुल तैयार, इसका तीसरा हिस्सा हो गया 12 इंच, ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब लंबाई, ये देखिए ये लंबाई है इसकी 39 इंच, तो ये हमने 39 इंच पे निशान लगा लिया। और 4 इंच की हम चूड़ी लेंगे, 4 इंच की चूड़ी लेंगे। चूड़ी आप 4 इंच की भी ले सकते हैं, चूड़ी आप 6 इंच की भी ले सकते हैं। जो ज्यादा चूड़ी पसंद करते हैं वो लंबाई से अलग 6 इंच ज्यादा ले लीजिए, और जो कम पसंद करते हैं कम चूड़ी वो 4 इंच। तो मैं ये 4 इंच पे काट देता हूं, ये 39 है प्लस 4 43 इंच ये हमारी लंबाई होगी, ये 4 इंच की चूड़ी होगी और 39 हमारी ये लंबाई होगी। अब मैं पहले ये निशान लगा लेता हूं, ये हमारा ये लंबाई का निशान है, ये हमारा आसन का निशान है। ये पूरा निशान लगा लीजिए आसन का, ये हमने पूरा निशान लगा दिया। और ये हमारी लंबाई का निशान है। और ये है टोटल हमारा चूड़ी का निशान। अब चूड़ी का निशान, ये हमारा चूड़ी का निशान है, प्लस हमने एक 1/4 इंच का दबाव भी रखना है इसमें। ये हमारा चूड़ी का निशान और ये हमारा दबाव का निशान। अब मोहरी है इसकी 12 इंच, तो 12 ये हमारा 6 इंच हो गया, ये 6 इंच और 6 इंच ये यहां तक हमने ये सीधा रखना है। ये हमने सीधा रख लिया है। अब इसका हम घुटने का भी निशान लगाएंगे, क्योंकि घुटने से हमें एक तो ये पता लगेगा हमारा तैयार घुटना कितना आएगा, दूसरा हमने ये शेप भी देनी है। तो आप घुटने का निशान भी आप लगा लीजिए, घुटने का निशान वही पैंट के हिसाब से आप लगाइए। अब ये गिदरी है 27 इंच 13.5 प्लस 2 इंच 15.5, ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये हमने कितना लेना है। 36 हिप है, 36 हिप का मैंने पजामे में बताया था कि 1/3 तीसरा हिस्सा, आसन भी तीसरा हिस्सा और ये खुला भी तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा कितना हो गया 12 इंच, ये 12 इंच प्लस 2 इंच फाग, ये 2 इंच इसका फाग हो गया, तो ये 14 इंच टोटल हमने ये खुला पजामा लिया है, ये 14 इंच टोटल हो गया हमारा। अब यहां से हमने ये देखिए यहां से ये हमने सेफ लेनी है, ये 14 इंच है, 14 इंच का निशान है, यहां से हमने ये सेफ लेनी है। पहले हम थोड़ी सी यहां तक सेफ लेंगे, ये यहां तक ले लें, उसके बाद हम नीचे तक ये नीचे तक हम सेफ ले लेंगे, लंबाई तक ये हमने सेफ ले ली। अब हमने देखना है ये हमारा घुटना तैयार कितना आया। अब ये घुटना हो गया हमारा, ये देखिए 9.5 इंच यानी 17.5 इंच हमें घुटना मिल गया। अब हम इसमें दबाव भी रखेंगे, नीचे तक दबाव रखेंगे, ये हमारा दबाव का निशान हम लगा देते हैं। ये हमने इतना दबाव रखना है इसके अंदर ताकि हमें
मान लो कभी लूज करना पड़ जाए तो हम आसानी से लूज कर सकते हैं, या फिर किसी हैवी साइज में हमें किसी को देना पड़ जाए तो हम ये लूज करके दे सकते हैं। ये हमारा, अब मैं इसको काट देता हूं, उसके बाद ये जोड़ लगाएंगे। अब हमने ये जोड़ लगाने हैं, तो हम ये देखिए, ये हमने किनारे के जोड़ लगाने हैं, तो एक तो हमने हमारी किनारी ये होगी, दूसरी हमारी किनारी ये होगी, ऐसे ये जोड़ लगा देंगे। जोड़ हम ये कम से कम आधा आधा इंच ऊपर नीचे रख लीजिए आप, ये निशान है हमारा, यहां से आप ऐसे देखिए, ये आधा इंच ऊपर नीचे कर लीजिए, ये हमारा हमने आधा इंच ऊपर नीचे कर लिया, क्योंकि यहां तक ही हमारा जोड़ लगेगा। अब हम देखिए, अब हमने ये जो हमारा आसन का निशान है इसको हम कंप्लीट लगा देते हैं। ये हमारा आसन का निशान है और ये हमारा लंबाई का निशान है, ये हमारा ऐसे निशान लगा लेते हैं ताकि कोई आड़ा टेढ़ा निशान ना लगे, ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अभी हमने कितना काटा था, 14 इंच, हिप का 1/3 12 प्लस 2 इंच का फाग 14 इंच, ये हमने 14 इंच काटा था, ये 14 इंच है और 2 इंच का हमारा फाग है, ये फाग है। अब इसको, इस फाग को हम सीधा कर लेते हैं, इस निशान से ये बिल्कुल सीधा आएगा, ये हमारा सीधा हो गया, ये हमारा फाग हो गया और ये हम सेब पट्टी से, ये हम सेब पट्टी से इसको मिला देंगे और ये हमारा दबाव हो गया, ये हमारा दबाव हो गया। अब हम इसको काट देते हैं। ये हमारा चूड़ीदार पजामा ये कट गया है, अभी हमने इस पे 2 इंच का बेल्ट और लगाना है। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हमने इसके ऊपर 2 इंच का बेल्ट लगाना है, क्योंकि 2 इंच हमने कम काटा था। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये है अर्ज वाला कपड़ा, ये देखिए, ये अर्ज की साइड है, ये अर्ज की साइड है। अब हमने इस पे डबल फोल्ड कर लेना है, ये हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब ये कितना डबल फोल्ड है हमारा, ये देख लीजिए, ये 12.5 है, 12 इंच ही हमारा डबल फोल्ड है समझो। अब ये हमने ये डबल फोल्ड कर लिया, बिल्कुल नाप के ले लीजिए आप, ये डबल फोल्ड कर लिया हमने और ये बिल्कुल चारों पल्ले एक जैसे हो, यहां से जोड़ नहीं होना चाहिए और ये इसके नीचे हम रख लेते हैं। ये हमारा
ये देखिए, ये इतना हम ये इसमें जोड़ना जाएगा। अब हमने ये देखना है, ये हमने 2 इंच लिया था, ये हमारा टोटल आसन लंबाई का निशान आ गया, ये बेल्ट हो गया हमारा, ये देखिए ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब हम इस पे इसकी पूरी लंबाई देखेंगे, ये हमारा 39 इंच आ गया पूरा, ये देखिए ये पूरा 39 इंच हमारी ये पूरी लंबाई आ गई 39 इंच। अब हमने इसमें जो नेफा हमारा नाड़े का मुड़ेगा उसका दबाव हम ये 2 इंच उसका दबाव ले लेते हैं, ये हमारा नेफे का दबाव हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया। अब ये टोटल जो आसन हमारा था वो आ गया ये 12 इंच तैयार, यानी हिप का 1/3 तैयार आसन आ गया। ये देखिए 12 इंच तैयार आसन आ गया, ये हमारा 2 इंच का नेफे के लिए दबाव है। अब हम इसको कंप्लीटली काट देते हैं, ये भी जोड़ हमारे कट गए और ये बेल्ट का भी हमने ये काट लिया। ये हमारा चूड़ीदार पजामा जो जोड़ वाले हैं, ये जो जोड़ है जोड़ वाले चूड़ीदार पजामा हमारा ये कंप्लीट कट गया है। तो दोस्तों ये था जोड़ वाला चूड़ीदार पजामा, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।